हाय दोस्तों, आज मैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की टीम देने जा रहा हूँ। आई होप इस टीम से आप लोग जीत जाओ, बिकॉज इस टीम को जीतने के ज़्यादा चांसेस है। मैं आपको एक बार टीम का रिव्यू दिखाता हूँ। तो इस टीम में मैंने क्वांटन डिकॉक को लिया है, बट अगर आप चाहो तो आप धोनी को भी ले सकते हो, बट मैं आज क्वांटन डिकॉक के साथ जाना चाहता हूँ। फिर मैंने विराट कोहली को लिया है, फाफ डू प्लेसिस, हसीम अमला, रोहित शर्मा एंड शिखर धवन को लिया है। एंड एवीडीवेस आज खेल सकता है, सो आप चाहो तो आप इसे इसके साथ भी जा सकते हो। तो मैं ऑलराउंडर में क्रिस मॉरिस और हार्दिक पांड्या के लिए हूँ, बिकॉज अगर विराट कोहली दो स्पिनर के साथ जाते हैं तो आज जडेजा भी खेल सकता है, बट मैं एक स्पिनर के साथ जाए तो ठीक है। तो मैंने हार्दिक पांड्या को लिया और मैं बॉलर में चलता हूँ। तो मैंने बॉलर में राबदा मोरकल और उमेश यादव, मैंने दो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स लिए हैं और एक उमेश यादव को लिया है। सो आज आप लोग, आई होप कि आप इस टीम से जीत जाओ, बिकॉज मुझे भी उम्मीद है कि आप इस टीम से जीत सकते हो। थैंक्स। और मैंने कैप्टन में क्वांटन डिकॉक को रखा था और रोहित शर्मा को वाइस कैप्टन में, बट अगर आप चाहो तो आप इसे चेंजेस कर सकते हो। और अगर मेरी आप हिंट लेना चाहो तो आप शिखर धवन को भी कैप्टन में रख सकते हो या फिर कोहली को भी रख सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज क्वांटन डिकॉक चलने वाले हैं, इसे मैंने उसके साथ लिया है। और रोहित शर्मा को तो आप जानते हो कि वो फर्स्ट बैटिंग करने आते हैं और वो बहुत अच्छे पारी आजकल खेलते जा रहे हैं, सो मैं उनके साथ वाइस कैप्टन के रूप में जाना चाहूँगा। अब मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, ये रही उसकी प्रीव्यू। सो अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। मैच के स्टार्ट होने से जस्ट ड्रीम इलेवन के जैसे ही ख़त्म होने वाला रहेगा, उसके थोड़ी देर पहले आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ऐसा अगर कोई प्लेयर होता है जिसमें से नहीं खेलता है या फिर कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों से कुछ और भी कहना चाहूँगा, मैं एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ ड्रीम इलेवन की, जिस ड्रीम इलेवन ग्रुप में मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहता जो लोग फालतू में जुड़ जाते हैं। वो ग्रुप पेड रहेगी, बिकॉज उस ग्रुप में ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, अगर चाहिए भी वैसे लोग तो वो नहीं फालतू के, जिसमें मैं उस ग्रुप में फीचर्स ये रहेगा कि मैं उसमें टीम हमेशा दे दिया करूँगा, आपको बार बार यूट्यूब पे चेक नहीं करना होगा। और दूसरी बात कि अगर उस टीम में अगर आप रहते हो तो आपको प्लेइंग इलेवन की बिल्कुल भी फिक्र करने की बात नहीं रहेगी। मैं बार बार आपको जब भी कोई मैच होगा मैं आपको फुटबॉल तक का भी मैं आपको उसमें दे दिया करूँगा। और बाद में कुछ ऐसे अगर प्लेयर आते हैं जो कि खेलने वाले नहीं होते हैं और अचानक से उन्हें ले लिया जाता है तो उनकी भी मैं आपको जानकारी दे दिया करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर ले, उसमें आपको जो ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है मैं उसमें आपको डाल दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स।